हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMkC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज का दिन है सैटरडे का, बाजार तो क्लोज है, बट आप सभी लोगों को पता है 18 जनवरी आज की तारीख है। एंड आज की जो पूरे बाजार का जो फोकस था वो था HDFC बैंक के रिजल्ट के ऊपर। और दोस्तों, बताना चाहता हूँ HDFC बैंक के रिजल्ट आउट हो चुके हैं, बाहर आ चुके हैं। तो रिजल्ट कैसे रहे, क्या स्ट्रीट एस्टिमेट था उसको बीट कर पाए हैं नहीं, आप सभी लोगों को पता है कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स रहते हैं बैंक्स के वो बढ़ते हैं, तो ठीक है। बट उसी के साथ साथ NPS के ऊपर भी फोकस किया जाता है, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। एंड ओवरऑल रिजल्ट कैसा आया उसके ऊपर हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, डायरेक्टली हम लोग आ जाते हैं BSE के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। एंड वहाँ पे जो PDF है उसको डाउनलोड करके वहाँ पे एनालाइज करेंगे कि इनके रिजल्ट कैसे आ गए। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो HDFC बैंक के रिजल्ट यहाँ पे आउट हो चुके हैं। मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप लोगों को सेकंड पेज पे ही उनके रिजल्ट इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ तो आप लोगों को ठीक से फिगर्स देख पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन हमेशा देता हूँ कि मतलब ये Q3 के रिजल्ट है, उसके नेक्स्ट जो कॉलम है वो है Q2 के रिजल्ट, एंड जो लास्ट कॉलम है वो भी Q3 के रिजल्ट है, बट कैसे 2018 के, पिछले साल के। तो हम लोग Q1 कंपेयर करेंगे एंड Y-on-Y बेसिस भी कंपेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते कि बैंक का टोटल इनकम कितना हुआ है। टोटल इनकम में आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट आता है, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट भी आता है, रिजर्व्स अलग अलग रखते हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, उनका इनकम आता है, अलग अलग फंड रहता है उसके ऊपर इंटरेस्ट, उसकी इनकम, मतलब सारे इनकम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं। मैं डायरेक्टली फिगर्स बोल दूंगा, उसके ऊपर जितने जीरो लगाने वो आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है रुपीज़ इन करोड़ होते हैं, लैक्स में होते हैं। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 36,03,900, वापस रिपीट कर रहा हूँ, 36,03,900 इतना टोटल इनकम इस बार बैंक का हुआ है, जो कि Q1 बेसिस अगर हम लोग बोले जो कि 33,75,000 सा। तो डेफिनेटली दोस्तों 36,000 इस वक्त ज़्यादा आया है पिछले क्वार्टर के हिसाब से। पिछले क्वार्टर 33 लाख था अप्रॉक्सीमेटली, इस क्वार्टर 36 लाख हो चुका है। एंड अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो वो तो 30 लाख था। सो हम लोग कह सकते हैं टोटल इनकम यहाँ पे अच्छा खासा ग्रो हुआ है इस वक्त का भी, मतलब Q1 का भी एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस का भी, तो एक अच्छा खासा बात देखने को मिल रहा है। बट आप सभी लोगों को पता है सिर्फ इनकम देख के काम चलता नहीं है, एक्सपेंस भी कितने हुए उसके ऊपर भी नज़र आनी चाहिए। 10 रुपया कमा रहे हो और 9 रुपया एक्सपेंस कर रहे हो तो प्रॉफिट 1 रुपये का होगा, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर कैसे हुआ है। तो यस दोस्तों, टोटल एक्सपेंडिचर भी बैंक के इस वक्त के बड़े हैं Q1 एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस से भी। तो चलिए ओवरऑल फाइनल फिगर के ऊपर आ जाते कि जितना भी कमाया एंड उसके बाद खर्च करने के बाद टोटल जो नेट प्रॉफिट बचता है सब टैक्स देने के बाद, सब कुछ देने के बाद, वो कितना यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे। तो सबसे पहली बात अगर हम लोग देखते हैं, तो मैं यहाँ पे अभी थोड़ा जूम कर लेता हूँ, मतलब आप लोगों को इजीली समझ में आएगा, मैं डायरेक्टली प्रॉफिट के फिगर की बात कर रहा हूँ। तो ये है दोस्तों वो प्रॉफिट के फिगर, मैं यहाँ पे आप लोगों को मार्क करके बताना चाहता हूँ, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे इजीली। यस दोस्तों, तो ये है नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर का, जो कि है अप्रॉक्सीमेटली 77,41,648। पिछले क्वार्टर का आप देख सकते हैं 6 लाख के रेंज में था। सो डेफिनेटली इस बार तो 7 लाख को भी क्रॉस किया है, बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट है Q1 बेसिस। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस तो उससे भी अच्छा, क्योंकि एक साल पहले का जो क्वार्टर था Q3 की अगर हम लोग बात करें तो वो तो 5 लाख के इसमें आता था। सो डेफिनेटली Q1 बेसिस एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस नेट प्रॉफिट जो बैंक ने बताया बहुत ही ज़बरदस्त बताया। एंड बिलीव मी दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है इसने अपने स्ट्रीट एस्टिमेट को 110% बीट किया होगा, बहुत ही गजब के प्रॉफिट है, आप यहाँ पे इजीली चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैंने जैसे कहा कि सिर्फ प्रॉफिट देख के तो काम नहीं होगा, प्रॉफिट तो बहुत ही अच्छा है, बट यहाँ पे हम लोगों को चेकआउट भी करना है कि बैंक ने यहाँ पे जो पैसे दिए थे उसमें से कितना पैसा रिटर्न नहीं आ सकेगा, जो दिक्कतें वाले पैसे जिसको हम लोग NPS भी बोलते हैं। तो इसी को मैं अभी यहाँ पे वापस आप लोगों को जूम करके बताना चाहता हूँ। बट उससे पहले हम लोग और एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, जो यूजुअली किसी को रिजल्ट पढ़ना नहीं आता है तो कोई भी क्या करता है, जो बेसिक EPS होता है उसको ही एनालाइज कर लेता है। तो EPS अगर हम लोग देखेंगे, अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर का, तो वो है 13.5। इस क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले क्वार्टर का था 11.6 दोस्तों। तो आप खुद कंपेयर करके देखना इस वक्त का कैसा है, ज़्यादा है। एंड उसके भी ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो था वो तो आता था 10.3। सो डेफिनेटली 13.5 ये Q1 एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों से भी बढ़कर है। तो हम लोग ये रफली बोल सकते हैं कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो बहुत ही पॉजिटिव आया हुआ है। बट उसी के साथ साथ अभी हम लोग आ जाएंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, जो कि है NPS से रिलेटेड।
सो दोस्तों सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे ग्रॉस एनपीए से रिलेटेड। मैं वापस जूम करके दिखाना चाहता हूँ, आप लोग सिर्फ फिगर्स के ऊपर ध्यान रखना, जो मैं वर्डिंग्स बोल रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले जो ये मैंने बॉक्स बनाया ये है ग्रॉस एनपीए, मतलब बहुत ही सिंपल है, बैंक का काम ही है दूसरे को पैसे देना एंड वापस रिटर्न लेना इन द फॉर्म ऑफ अ इंटरेस्ट। सो इतना पैसा है दोस्तों जहाँ पे बैंक का डिफॉल्ट हो चुका है सामने वाली पार्टी से, चाहे वो इंटरेस्ट डिफॉल्ट बोल सकते या फिर प्रिंसिपल अमाउंट का डिफॉल्ट बोल सकते, सो वो है 13,42,725। मैं वापस कह रहा हूँ ऊपर रुपीज़ इन करोड़ लैक्स रुपीज़ बहुत बड़ी फिगर रहती है, बट 13,42,725 इतना बैंक का पैसा फिलहाल एनपीए बन चुका है, अटक चुका है, सामने से नहीं आ रहा है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो ये फिगर्स था लगभग 12.5 लाख का, सो डेफिनेटली इस वक्त का जो फिगर्स है वो बढ़ चुका है, लगभग 13.5 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं होती है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये हम लोग कह सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बैंक के एनपीएस भी बढ़ चुके हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो एक साल पहले अगर हम लोग जाते सेम क्वार्टर को कंपेयर करने के लिए तो वहाँ पे 10,90,000 के एनपीएस हुआ करते थे, तो हम लोग कह सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस उसी के साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस बैंक के एनपीए बढ़ चुके हैं। अगर आपको देखना है तो आप परसेंटेज वाइज भी यहाँ पे इजीली चेकआउट कर सकते हो, जो कि पहले 0.42 हुआ करते थे एक साल पहले, इस वक्त की अगर हम लोग बात करें 0.48 हो चुका है, मतलब बढ़ चुके हैं, एंड पिछले क्वार्टर के भी थे 0.42, सो बैंक के एनपीएस भी यहाँ पे बढ़ चुके हैं, हम लोग ऐसा इसको इजीली बोल सकते हैं। पर वापस दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज़ हमेशा सिखाता हूँ कि एनपीएस का बढ़ना ये एक स्वाभाविक बात ज़रूर होती है, आप ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते कि एनपीएस कम हो जाए, मतलब होते हैं। लास्ट टाइम आईसीआईसी बैंक ने अपने एनपीएस को गिरावट में मतलब कम कर दिए थे एंड उसके के बाद हम लोगों को आईसीआईसी बैंक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिला। तो ये बात याद रखना कि एनपीएस बढ़ते ही आप बिजनेस करोगे तो आपको लॉस होगा ही, बट उसी के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि क्या बैंक ने प्रॉफिट अच्छा कमाया। तो यस दोस्तों बैंक ने प्रॉफिट अच्छा कमाया एंड जैसे मैंने कहा स्ट्रीट एस्टिमेट को बीट किया हुआ ही प्रॉफिट बैंक ने कमाया, तो ये मैं तो इस रिजल्ट से डेफिनेटली खुश हूँ दोस्तों। एंड जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ मैं क्यों हैप्पी हो रहा हूँ, क्योंकि मेरा नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। देखिए शॉर्ट टर्म में गिरावट उतार चढ़ाव हमेशा आती रहती है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे रिजल्ट अच्छे लगे। 19-20 हमेशा होती रहती है दोस्तों, हर एक चीज़ आपके हिसाब से नहीं चलती है एंड जैसे मुझे रिजल्ट चाहिए थे बैंक ने जो प्रॉफिट बताया कि वो इनकम तो अच्छा खासा कर रही है, जितना आप अपना ग्रो करने जाओगे उतने डिफॉल्ट के भी चांसेस बढ़ेंगे। ऑब्वियसली अगर बैंक अपने आप को और एक्सपांड करने जाएगा तो उतने प्रॉफिट तो बढ़ने चाहिए, बट एनपीएस भी उसके साथ साथ बढ़ेंगे ही। सो ओवरऑल अगर आप कंपेयर करोगे तो मुझे रिजल्ट ओवरऑल अच्छे लगे, बट जैसे मैंने कहा कि हम लोग वापस जाते हैं गूगल पे, थोड़ा सा इंटरनेट के ऊपर जाते हैं, एनालिसिस क्या बोलते हैं, बड़े बड़े वेबसाइट भी क्या बोलते हैं, उनको कैसे लगा रिजल्ट, तो उसके ऊपर भी हम लोग हाईलाइट थोड़ा देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं गूगल के ऊपर एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे HDFC के रिजल्ट कैसे रहे आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ तो आप लोगों को देखने के लिए इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक आ चुकी है वेबसाइट, तो यहाँ पे हम लोग हेडलाइन ही पढ़ लेते हैं जिससे आप लोगों को अंदाज़ा आ जाएगा कि HDFC बैंक के क्वार्टर 3 के नेट प्रॉफिट बाहर आ चुके जो कि 7,416 करोड़ के आसपास। एंड दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आप सर्च करते हो बीट स्ट्रीट एस्टिमेट, यस दोस्तों जैसे मैंने कहा था कि ये स्ट्रीट एस्टिमेट को बीट कर दिया है HDFC बैंक ने, एनपीएस बढ़ना ये बात होती ही रहेगी दोस्तों, आगे भी फ्यूचर में एनपीएस बढ़ेंगे ही। अगर आप जितना बिजनेस बड़ा करना चाहोगे उतना एनपीए भी बढ़ेगा, बट जैसे मैंने आपको कहा प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, अगर यहाँ पे प्रॉफिट अफेक्ट हो जाता तो हम लोग कह सकते कि यस HDFC जो बैंक है वहाँ पे हम लोगों को गिरावट देखने को मिल सकती है। सो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि रिजल्ट तो बैंक ने अच्छे खासे बताए जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस वेबसाइट के अंदर ही चले जाते हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा क्रेडिट इसी वेबसाइट का रहेगा, तो हेडिंग आप इजीली पढ़ सकते हो जो यहाँ पे प्रॉफिट है 7,400 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट है, बट इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने अपनी जो स्ट्रीट एस्टिमेट है उसको बीट कर दिया। तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कि अभी अभी उनकी जो रिजल्ट है सैटरडे अभी आ चुके हैं और जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो 7,416.5 करोड़ जो आ चुका है जो कि क्वार्टर 3 का प्रॉफिट है। उसी के साथ साथ ये टेबल भी आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो प्रॉफिट है वो 5.4% यहाँ पे बढ़ चुका है जो कि एस्टिमेट लगाया गया था, बट नेक्स्ट इंटरेस्ट इनकम हम लोग कह सकते हैं 0.1% तक की गिरावट है ऐसा भी बोल सकते हैं, मतलब एस्टिमेशन लगाया गया था 14,192 करोड़ आने का, बट एक्चुअल में आया 14,172 करोड़, सो माइनर सा डिफरेंस है, 0.1% की गिरावट है, बट गिरावट तो गिरावट होती है इसको मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी ने प्रॉफिट यहाँ पे कमाया एंड ऐसा वैसा कोई प्रॉफिट नहीं, 5.4% की जंप दिखाई है एस्टिमेशन से भी अच्छी खासी। तो अगर हम लोग पिछले साल की अगर बात करें,
अगर 2018 के क्वार्टर की तो वो लगभग 5500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आया करता था, बट इस बार तो 7400 करोड़ का आ चुका है। सो बहुत ही ज़बरदस्त है। एंड यहाँ पे जो एस्टिमेट किया गया था 7033 करोड़ तक का प्रॉफिट आना चाहिए, बट एक्चुअल में प्रॉफिट कितना है दोस्तों, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो 7416.5 करोड़। सो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि रिजल्ट कंपनी के अच्छे आए, एनपीएस बढ़ चुके हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 0.1% की गिरावट भी हम लोगों को देखने को मिल रही है। बट समरी फॉर्म में अगर मैं कहूँ ओवरऑल रिजल्ट, वापस लिख के बताना चाहूँगा, लॉन्ग टर्म में ये रिजल्ट मुझे अच्छे लगते हैं। शॉर्ट टर्म में गिरावट आ सकती है, शेयर अच्छा खासा ऑलरेडी चल चुका है, मार्केट भी हाई पे चल रहा है, तो एक छोटा सा प्रेशर कभी ना कभी देखने को मिलेगा। बट अगर आपका नज़रिया लंबा रहेगा सो डेफिनेटली दोस्तों आप लोगों को अच्छे खासे रिटर्न एचडीएफसी बैंक में फ्यूचर में भी देखने को मिलेंगे। और दोस्तों जैसे मैं हमेशा आप लोगों को सिखाता हूँ कि अगर हम लोग रिजल्ट देखने जाए तो कुछ ना कुछ हम लोगों को कमियाँ ज़रूर देखने को मिलेगी, एंड हर एक कंपनी में ऐसा होता ही है दोस्तों। आपको हर एक चीज़ कभी भी परफेक्ट नहीं मिलेगी। अगर बेस्ट एग्जांपल ले लो, कौन सी कंपनी जो एनएससी की रैंक वन है जिसका नाम है रिलायंस, रिलायंस में हर एक चीज़ अच्छी है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के कर्जा बहुत है, फिर भी वो कंपनी टॉप पे। टीसीएस देख लेना, हर एक चीज़ अच्छी है बट उसकी ग्रोथ बहुत स्लो है। अभी देख सकते हो आप पिछले बहुत टाइम से 12 महीने 15 महीने हो गए कि वो एक ही दायरे में घूम रहा है, बट वहाँ पे भी एक थोड़ा सा प्रेशर है। एचडीएफसी बैंक जो कि थर्ड नंबर की कंपनी स्टॉक मार्केट की, अभी आप देख सकते हो प्रॉफिट तो गजब के, एस्टिमेट को भी बीट कर दिया है, बट नेट इंटरेस्ट इनकम में 0.1% की गिरावट, एनपीएस में बढ़ोतरी, तो इधर भी प्रॉब्लम है। फोर्थ नंबर की कंपनी आती है हिंदुस्तान यूनिलीवर, एफएमसीजी सेक्टर की रैंक वन कंपनी, बट वहाँ पे भी प्रमोटर 6% तक के स्टेक सेल करने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी प्रेशर बना हुआ है। फिफ्थ नंबर पे आती है एचडीएफसी जो कि एनबीएफसी सेक्टर से जुड़ी हुई है, एनबीएफसी सेक्टर फिलहाल प्रेशर में चल रहा है। तो हर एक चीज़ अगर आप देखोगे 6 नंबर के आसपास आती है, इन्फोसिस भी आप बोल सकते हो, तो इन्फोसिस तो अभी अभी प्रेशर से बाहर आई है। तो याद रखना दोस्तों हर एक कंपनी में हम लोगों को कुछ ना कुछ ड्रॉबैक ज़रूर मिलेगा। आप लोगों को देखना है कि जो प्रॉफिट मेन वाली चीज़ है क्या वो कंपनी की अच्छी है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यस, जो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे होल्ड करने चाहते हैं वही एचडीएफसी बैंक में अभी भी होल्ड कर सकते हैं, जिस तरीके से इन्होंने प्रॉफिट बताया। एंड यहाँ पे आप वर्डिंग भी चेकआउट कर सकते हो, उन्होंने स्ट्रीट एस्टिमेट को बीट कर दिया है। और दोस्तों हमेशा याद रखना, अगर आप लोगों को बताना है ये एग्जांपल के तौर के ऊपर, तो मैं एचडीएफसी बैंक के चार्ट पैटर्न के ऊपर भी जाना चाहूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न ओपन करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लाइन आपको दिख रही है ग्रोथ की, वो कैसी दिख रही है, सीधा ऐसी जा रही है कि उतार चढ़ाव से भरी जा रही है, ऑब्वियसली उतार चढ़ाव से जा रही है। तो ये ऐसे ड्रॉबैक आते रहते हैं, 50 पॉइंट गिरेगा, 100 पॉइंट गिरेगा, बट उतनी ही ताकत इन स्टॉक में रहती है कि वो उससे ही स्पीड से रिकवरी करके ऑल टाइम हाई पे आ जाए। तो याद रखना सडनली ऐसे ऊपर जाने वाले शेयर, आप लोगों ने देखा है पेनी स्टॉक किस तरीके से हालत होते हैं, क्योंकि वो सडनली नीचे भी आते हैं। तो जो ग्रोथ रहती है वो कैसी जानी चाहिए, ऐसे वेंटिलेटर की लाइन की तरह जानी चाहिए, वो सीधी हो गई तो वो डेड हो गया। तो याद रखो दोस्तों ये स्टॉक अच्छे उतार चढ़ाव हमेशा भरा रहता है। सो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के नज़र से इसे आप लोगों ने रिजल्ट को देखनी चाहिए, एंड मुझे तो रिजल्ट कैसे लगे, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छे लगे। सो एचडीएफसी बैंक मुझे अभी भी लगते हैं जिनके भी पोर्टफोलियो में वो होल्ड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो प्रॉफिट बुकिंग करना तो वो आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे डेफिनेटली कर भी सकते हो। सो उसी के साथ साथ यहाँ पे एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, 1277 पे फिलहाल ये स्टॉक चल रहा है। अगर इसका हाई अगर हम लोग देखें 52 एक हाई, तो 1300 का हाई है, तो चाहे तो कंपनी इसको ये तोड़ भी सकती है, कभी ना कभी तो ज़रूर तोड़ेगी। 17 जैन की बात करें तो आप देख सकते हैं रिजल्ट से पहले 80% के आसपास की डिलीवरीज उठाई गई है, बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सो ओवरऑल दोस्तों वीडियो को क्लोज करने से पहले वापस ये आप लोगों को 3 से 4 बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, वापस 5वीं बार रिपीट कर रहा हूँ कि रिजल्ट लॉन्ग टर्म वालों के बहुत ही अच्छे, शॉर्ट टर्म में गिरावट चाहे तो आ सकती है, इससे कोई आप लोगों ने पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, एंड अगर इस चैनल में नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और साथ ही बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी हिट कर देना, तो जो भी मेरा नया लेटेस्ट वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।